तमाम ही सिंगल मिंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सारे के सारे? तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम लोगों का बचपन खराब करूं। तुम लोगों को याद ही होगा कि हम बचपन में एक ड्रामा देखा करते थे बुलबुले, और अक्सर हम वो अपने घर वालों के साथ भी बैठ के देखा करते थे, यानी कि वो एक फैमिली फ्रेंडली ड्रामा हुआ करता था। तो आज बहुत सारे सालों के बाद, बड़े होने के बाद, जब हम होश संभाल चुके हैं, जिंदगी में उखाड़ा तो कुछ नहीं है बट स्टिल होश संभाल चुके हैं, तो आज हम दोबारा से जाके बुलबुले ड्रामा को देखेंगे और पता लगाएंगे क्या वो वाकई में फैमिली फ्रेंडली था या नहीं था। तो लेट्स गो। क्या उसे बाहर ना निकलने दें? किसको? वही जो छोटा सा होता है ना। छोटा सा क्या होता है महमूद साहब? अरे मुझे क्या पता। अब तुम लोगों को समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वही जो बगैर बताए निकल जाता है। अब तो बता रहे महमूद साहब। भाई वो भी हाथ में तस्वीर और सर में टोपी पहन के। सेक्स एजुकेशन डिलीटेड सीन्स। मुझे नहाने जाना है, प्लीज जल्दी आकर देख लो। बाद में आकर देखता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिखी है उसे पता ना हो कि वो क्या लिख रहा है। भाई ये अनइंटेंशनल हो ही नहीं सकता कहीं से भी, और हम सारा बचपन इसको देख के हंसते रहे। ओ भाई भाई, भाई। साहब इसका कुछ कर रही है, मैं खाले से फ्राई कर लेता हूँ। मैं इस लेडी फिंगर का नहीं कह रहा हूँ, मैं इस लेडी का कह रहा हूँ। अरे उस लेडी ने क्या किया है? फिंगर। साहब इसका कुछ कर रही है। यार ये भाई ये क्या है भाई? ये ओ भाई भाई, इस टाइम पे क्या पैमरा नहीं था क्या? ये क्या चल रहा है भाई? भाई अच्छा भला ड्रामा होता था है। मेरा खराब हुआ है तो मैं तुम लोगों का तो करूंगा ही करूंगा। बाय द वे बिग शाउट आउट टू ये जो इंस्टाग्राम का पेज है सम एनीथिंग 9, तो भाई जिसने ये सारे क्लिप्स निकाले। ये क्या है बिल? किसका? किसका नहीं, दूध का। दूध कहाँ है? दुकान पे। अरे तो तुम्हारी दुकान के दूध का बिल मैं क्यों दूं? अरे सर ये आपके दूध का बिल है। स्क्रिप्ट राइटर भाई क्यों? भाई क्यों? या तो पता नहीं इन लोगों ने उस टाइम पे ड्रामा बनाया ही 18 प्लस लोगों के लिए था, लेकिन वो पता नहीं कैसे बच्चों का ड्रामा बन गया। भाई समझ नहीं आया ये हुआ क्या। हेलो हेलो, आलिया बोल रही हैं जी, आप कौन? देखिए आप मुझे नहीं जानती लेकिन मैं आपको जानता हूँ। थोड़ी देर बात फोन करना, अभी मेरे हस्बैंड सोए नहीं है। अबे तेरी मामा का नंबर यही है। क्या मिस कर दिया मैंने? ऐसा क्या है जो मुझे अभी भी समझ नहीं आया? हेलो हेलो, आलिया बोल रही हैं जी, आप कौन? देखिए आप मुझे नहीं जानती लेकिन मैं आपको जानता हूँ। थोड़ी देर बात फोन करना, अभी मेरे हस्बैंड सोए नहीं है। अच्छा ठीक है समझ गया भाई समझ। अच्छा तो ये सब कुछ तब से चला आ रहा है। खूबसूरत, क्या सोच रहे? सोच रही हूँ कि अब हम क्या करेंगे नबील। अब हम रोमांटिक बातें करेंगे खूबसूरत। नबील मैं बच्चे की बात कर रही हूँ। सच? भाई ये एपिसोड्स हमने कभी देखे नहीं बचपन में, या हमने देखे हमें समझ नहीं आया ये हुआ क्या है। कुछ ना कुछ मिस हुआ है बचपन में। अभी बच्चा कहाँ से आ गया? अरे आप लोग मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? वो बेटा इन्हें नींद आ रही है ना, इन्हें सुलाने ले जा रहा हूँ। भाई मुझे डर लगेगा। अरे नहीं बेटा, यहाँ तक आवाज नहीं आएगी। Bro, what the fuck? ये क्या था भाई? कैसे फैमिली फ्रेंडली शो था भाई? ये कहां से फैमिली फ्रेंडली शो है? ओ भाई ऐसी स्क्रिप्ट तो 18 प्लस शोज की भी नहीं होती। अच्छा भाई, खराटों की बातें हो रही हैं यार तुम लोग। यार एक तो गंदी सोचे हैं ना तुम लोग ये। एक तो छी, फैमिली फ्रेंडली शो ही है यार, वो खराटों की बातें कर रहे थे। कि तुम लोग हमें सुकून से कैलूला क्यों नहीं करने देते? कैलूला क्या होता है? दोपहर के खाने के बाद जो करते हैं उसे कैलूला कहते हैं। और जो रात के खाने के बाद करते हैं उसे क्या कहते हैं? जल शरीर कहेंगे। कि तुम लोग भाई अब इस ये यहाँ तो खराटों की बातें नहीं हो रही ना, यहाँ तो ओ भाई महमूद साहब
नोटी हो रहा है बैंड भाई, मेरे बचपन का वन ऑफ द बेस्ट शो था ये, और अब और ज्यादा अच्छा हो गया। महमूद साहब की स्क्रिप्ट मुझे नहीं लगता कोई और लिखता है, मुझे लगता है महमूद साहब अपनी स्क्रिप्ट खुद लिख के लाते होंगे। भाई कैसे इतनी सारी चीजें लोग इग्नोर कर सकते हैं यार। अब्बा हवा पढ़ दे। अम्मा को जाकर बोलो पढ़ दे। पढ़ दे ना। अरे मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, अम्मा को जाकर बोलो। क्या मुसीबत है तुम लोगों की कसम से। ओ भाई ये क्या बदतमीजी है, दिमाग का। ये तो बुलबुल ड्रामा भी नहीं है भाई, ये कौन सा है इसका तो मुझे भी नहीं पता। हो गया तो मैंने कभी देखा नहीं। अब हम चल के देखते हैं कपिल शर्मा शो। जब तक पाकिस्तान में आया करते थे इंडियन चैनल्स, तब काफी सारी फैमिलीज इकट्ठे बैठ के देखा करती थी, और वैसे भी एक फैमिली फ्रेंडली शो है, लेकिन हम चल के देखेंगे क्या वाकई में ये भी फैमिली फ्रेंडली है या नहीं। मैं तुम्हारी कोई ऐसी चीज काटना चाहता हूँ कि मुझे मजा आ जाए और तुम्हें कुछ ना हो। इस शेर में शायर के कहने का मतलब है कि वो मौसूफ की तीसरी टांग काटना चाहते हैं। अच्छा थोड़ी लगता है, इतने बड़े बड़े लोग एक ही बॉल के पीछे भागते रहते हैं। आप लोग के पास पर्सनल अपना एक एक बॉल रखो, खेलने में मजा आएगा। जो जो है बर्फी में होता है वैलेंटाइन। ये तुम्हारा ये खड़ा ही क्यों रहती छोटी, पक्का तुम गंदी फिल्म में देखते हो। ये तो मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट है भी नहीं, ये तो शायद अंदर से निकल रहे हैं जोक्स। मैरिज लाइफ इतना पुराना हो गया कि अभी कुछ मजा ही नहीं रह गया लाइफ में। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपकी लाइफ से मस्ती चली गई है, अभी भी टैबलेट्स मिलती हैं। Bro, didn't even hesitate. समझ रहा हूँ। तेरी बुआ का तोता होता कहीं का? बुआ का तोता होता ही। नाइस फैमिली फ्रेंडली शो भाई। ये दोनों लड़के ना पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ सारा पता तुम्हें। तो बस गाइस आज की वीडियो को हम यहीं पे रखेंगे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में तुम मुझे थैंक यू बोल सकते हो तुम्हारा बचपन खराब करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। यू नो द ड्रिल, यू नो द ड्रिल, हसल इज आंसर, आई एम डूइंग माय थिंग, यू नो द ड्रिल, सिक इज द मिल।